तो हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद के सामने लाहौर की उन गलियों में जिनके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कुछ यूँ कहा था कि अगर एक जानब से मर्द और दूसरी जानब से औरत आ जाए तो उनके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी रहती है। जी तो आज मैं अंदरून शहर आया हूँ। हमेशा से यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ के खानों और यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बात की जाती है, लेकिन इसमें बसने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात की जाए, इनसे यहाँ के हाल अहवाल पूछा जाए, इनके मसाइल के बारे में डिस्कस किया जाए, और जो कुछ हुआ आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज के व्लॉग में हमारे साथ क्या है, कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, ठीक ठाक है? आप यहीं पे यहीं के रहे, कितने अर्से से रह रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी अर्से से। सही, तो आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं? माशाल्लाह, क्यों नहीं। तो आपकी बच्चों की जो बचपना गुजरा है और जो आपका बचपना गुजरा, जाहिर आप इसी इलाके में रहे हैं, तो आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं पुराने वाले अंदरून लाहौर में और आज के अंदरून लाहौर में? पुराना जो अंदरून शहर था ना वो अच्छा था, अब वाला अच्छा नहीं है। अच्छा, काफ़ी गेम के हिसाब से, सही, स्पोर्ट के हिसाब से जो है ना पहले वाली गेमें नहीं रही थी, खेलों की सरगर्मी। उसके अलावा कुछ अच्छी बात शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? इसके अलावा के बस जियो पाकिस्तान और अच्छा करो, सबके साथ अच्छा चलो। बहुत तो बहुत पुराना, लेकिन यहाँ की रवायात अभी बहुत जिंदा है। अभी एक मैंने छोटी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोग खड़े हुए, ये दोस्तों के लिए हम एंजॉय कर रहे हैं गली में, अब बैठे हुए दोस्त ये उन्होंने ये लेकर आए हैं घर से, बुला के लेकर आए हम सारे, हम इंजॉय कर रहे हैं, जिसको चला रहे हैं, पी रहे हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह क्या क्या मंजर पेश कर रहा है, दोस्तों यारों के साथ चाय पीना, खुशगफियाँ लगाना, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन दीज डेज। हम तो क्या ख्याल है, भूख बहुत लग रही है यार। मैं तो कह रहा हूँ ये बच्चे के पाई ट्राई करके देख ले, बड़ा नाम सुना है। हाँ ये आ गया, चलो देखते हैं क्या सीन है। जी बच्चे के पाई